आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि वाराणसी और बनारस में क्या समानता या क्या अंतर है। अगर आप पूरे विश्व में सबसे पवित्रतम शहरों का दौरा करेंगे और यदि अनुभव करना चाहते हैं तो भारत को अकेला छोड़ दें तो आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की ओर मुड़ना है, जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में आपको जीवन के निर्माता शिव की भूमि मिलती है। हिंदू पुराण विभिन्न जो धर्म स्थान है वाराणसी, बनारस और काशी के रूप में जाना जाता है। अभी ये जो तीनों शहर है वो तीनों दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है और मार्क ट्वेन के शब्दों में बनारस इतिहास से पुराना है, परंपरा से पुराना है, किंवदंती से ही पुराना है और सभी के रूप में दो बार पुराना दिखता है। उन्हें एक साथ रखा गया है। वाराणसी प्राचीन शहर के काशी का एक आधुनिक नाम है क्योंकि यह गंगा, वरुणा और असी नदी के सहायक नदी के साथ स्थित है, उसके किनारे स्थित है। ये उपनदियां उत्तरी और दक्षिण सीमाओं के साथ चलती है। माना जाता है कि बनारस शब्द वाराणसी शब्द का भ्रष्टाचार है या भ्रष्ट शब्द है। तो चलिए हम और नजदीक किसके जाते हैं इन दोनों शब्दों के बीच में। हिंदुओं का मानना है कि वाराणसी में पवित्र नदी गंगा में सिर्फ एक डुबकी उनके सारे पापों को खत्म कर देती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से उनको मुक्ति दिला देती है, इसकी गारंटी देते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव का निवास है और उनके जो पार्वती जी हैं वो भी वहीं पे साथ में निवास करती है। शिव के शहर का दिल गंगा नदी के किनारे चलने वाले घाटों में स्थित है। गंगा नदी और भगवान शिव दोनों की उपस्थिति से शहर की पवित्र आबोहवा, पवित्रता का पता लगाया जा सकता है। बनारस विश्व में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और लाखों हिंदुओं को द्वारा केवल भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में किया जाता है। वाराणसी न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र है बल्कि बौद्धों के लिए भी पवित्र है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं यहां अपने उपदेश देने का फैसला किया था, जिसे सारनाथ कहा जाता है। सारनाथ भारत में बौद्धों के चार तीर्थस्थलों में से एक है। जो जैन हैं, जैन भी वाराणसी को एक पवित्र शहर मानते हैं क्योंकि उनके 33वें तीर्थकर का जन्म यहाँ पे हुआ माना जाता है। न सिर्फ इन तीन महान धर्म बल्कि शहर में इसके कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों में भी इस्लामिक प्रभाव होता है। यही कारण है कि शहर की संस्कृति हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिश्रण माना गया है। मोक्ष की तलाश में शहर की बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ पे आते हैं, जबकि दुनिया भर के बौद्ध निर्वाण को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं जो बौद्धिस्ट है। हिंदू ग्रंथों में यहाँ तक कि पवित्र शहर वाराणसी में मरने से मोक्ष की गारंटी माना जाता है। यही वजह है कि एक व्यक्ति अपने बुढ़ापे में बहुत से लोगों को पवित्र शहर का दौरा करने की इच्छा रखते हैं। बनारस या वाराणसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात है, भगवान शिव द्वारा अपने और उनकी पत्नी पार्वती के लिए एक स्थान बनने के लिए चुना गया है, क्योंकि कई पुल, नदियां और घने जंगलों की वजह से ये जगह और ज्यादा उत्कृष्ट हो जाता है। कल्पना करना मुश्किल है कि वाराणसी इस तरह से हो सकता है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि शहर वास्तव में बहुत सुंदर था और प्राकृतिक दृश्य थे वहाँ पे जो मनुष्यों के लिए मतलब प्रतिरोध करना मुश्किल था उन बातों के लिए। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी अब भी भगवान शिव का निवास माना जाता है। शहर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण बनारस में त्योहारों और मेले बहुत बार होते हैं। भगवान काशी विश्वनाथ मतलब शिव जी को कहते हैं, उनका ही मंदिर वाराणसी में सबसे पवित्र मंदिर है।
यह देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग ऐसे स्थान है जहां लोग प्रकाश के लिंगा के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यही कारण है कि काशी को हिंदुओं द्वारा प्रकाश का शहर भी कहा जाता है। यदि हम इसको शॉर्ट में कहें कि दोनों में अंतर या समानता क्या है, तो भाई वाराणसी का पवित्र शहर गंगा नदी के उपनदियों के वरुण और असी नामक उपनगरों में स्थित है, जो आधुनिक नाम बनाते हैं। यह शब्द वाराणसी ने बनारस शब्द को रास्ता दिया, जो कि वाराणसी के भ्रष्टाचार से असरदार है, या वो भ्रष्ट शब्द कह सकते हैं। शहर का तीसरा सबसे प्राचीन नाम काशी है, जिसका अर्थ है प्रकाश का शहर। वाराणसी को भगवान शिव का निवास माना जाता है और उनके साथ में रहती हैं पार्वती जी। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।